ऐसे जैसे भैया टेंशन में थे तो हमने सोचा कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी उनको, तो इसीलिए टेंशन में हैं। तो फिर कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले भैया नीचे बाथरूम करते थे तो छत पे बाथरूम करने लगे, तो हम भी सोचे कि हो सकता है फिर भी टेंशन हो। तो एक दिन करीब 2-3 दिन पहले छत पे जैसे कि बाउंड्री पे चढ़ गए थे। हाँ, तो हम कहे कि ये क्या, तो भाई मम्मी पापा तुरंत तो नीचे उतारे, तो पूछने लगे कि क्या हुआ है, कुछ टेंशन है तो हमें बताओ। तो भैया कहे नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं कि हम बाउंड्री पे कब चढ़ें, हमें जैसे कि कोई लग रहा है कि बोला गया है। तो फिर कल के परसों इसी हादसे में जैसे कि रात में हम करीब 2:30 बजे उठे, हमको बाथरूम लगा तो हम तो चले गए, तो हम देख रहे कि बत्ती जला हुआ है भैया का रूम का, तो हम चेक करने लगे तो भैया बैठ के कुछ कर रहे थे चाकू से। तो हम कहे क्या कर रहे, तो देखने लगे तो कुछ हाथ पे कुछ बना रहे थे। तो हम तुरंत मम्मी पापा को, छत पे सोए थे तो मम्मी पापा को बुलाए, तो मम्मी पापा के आके देख रहे हैं तो भैया बेहोश हुए हैं और हल्का हल्का खून निकल रहा था उनका। तो फिर सुबह पूछा गया भैया से कि भैया क्या हुआ है, तुम क्यों ऐसा किए, तो कह रहे हमको कुछ पता ही। जब आपको मालूम है कि एक जोखिम है और वो जानलेवा है, तो नेचुरली उसको एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो उसको आप कोई ना कोई अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करिए, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स से ना शेयर कर पाएँ, लेकिन हो सकता है कोई फ्रेंड ही नहीं, कोई आपका जस्ट सीनियर हो, आप उसकी एडवाइस लीजिए।